नमस्कार, मैं हूँ यतेंद्र तिवारी और इस समय हम खड़े हुए हैं भगवान श्री कृष्ण के घर में, यानी 5,500 साल पुराने उस घर में जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं की और बहुत लंबे समय तक यहाँ रहे। तो हमारे साथ जो है यहाँ के इस घर को जो है आज के टाइम पर वर्तमान में नंद बाबा मंदिर कहा जाता है। तो यहाँ हमारे साथ नंद बाबा मंदिर के सेवायत श्री हरिमोहन गोस्वामी जी यहाँ मौजूद हैं। जानते हैं इनसे कि जन्माष्टमी और उससे अगले दिन जन्म उत्सव पर क्या यहाँ खास होता है। राधे राधे, स्वागत है सर। राधे राधे आपके चैनल के सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। नंद भवन जसमत जायो है लाल भाव तो जी को, ये अद्भुत अलौकिक परंपरा है। इस छटा को कौन देख सकता है। नंद भवन को भूषण माई, जिसके कारण पूरा ब्रज आनंदित है, जो तारण हार है, जो संसार का पालन हार है, ऐसे गोविंद के उत्सव में हमारे समस्त ब्रजवासी सेवायत अधिकारी लगे हुए हैं। और नंद भवन में तो 8 दिन पूर्व ही बधाइयां प्रारंभ हो जाती हैं। बजत बधाई रे बाबा नंद के दरबार, हुआ सुत सोह ना वे मन का मोह ना रिजवा। ये जो उधर जो लोग कुछ गा रहे हैं वो बधाई गायन ही कर रहे हैं। मैं कैमरा मैन से कहूंगा जरा उधर देखा, बधाई गायन है। और 8 दिन पूर्व ही रक्षाबंधन से नंद भवन में नंदोत्सव प्रारंभ हो जाता है और 8 दिन की 8 बधाइयां होती हैं, उसी को हमारे यहाँ खुर गिनती कहते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ आज जन्माष्टमी भी है 26 को और कल ही हमारे यहाँ 27 को नंद भवन में आनंद से जन्म। मैं आपकी बात काटूंगा, ये जो खुरगिनती शब्द से याद आया, खुरगिनती है क्या? खुरगिनती माने एक एक खुर जैसे गिनते, अर्थात रक्षा बंधन से ठीक 8 दिन की 8 बधाइयां। पहले गिनती जो शब्द होता था वो पहले गणित का विशेषण अलग था। खुर माने गौओं के खुरों से गिनती होती थी, तो 8 गाय के खुर 8 दिन। रक्षाबंधन से 8 दिन, 8वें दिन ही, क्योंकि नंद बाबा के यहाँ अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो नंदोत्सव कहाँ मना, नंदगांव में। नंद बाबा कहाँ रहे, नंदगांव में, और जहाँ रहता है अपने बालक का आनंद से उत्सव वहीं मनाया जाता है। इसलिए विशेष रूप से नंद बाबा ने ना तो हमारे यहाँ एक भी दिन घटाया जाता है, क्योंकि शुभ मंगल कार्य का दिन घटाना नहीं चाहिए, इसीलिए कोई दिन घटाया नहीं जाता। मतलब आपके कहने के अनुसार अगर रक्षाबंधन के अगले दिन से गिनती 8 दिन ही काउंट करते हैं, इस बीच यदि कोई तिथि घटती है बढ़ती है तो कोई उसमें नहीं, हमारे कोई बधाई कम नहीं की जाती, क्योंकि भगवान का उत्सव दिनों दिन वृद्धि की प्राप्ति करता है और अभिवृद्धि में आनंद है, इसलिए उत्सव को घटाया नहीं जाता। रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान के गर्भगृह में अभिषेक होगा और अभिषेक का दर्शन पूरे संसार के जितने भी लोग यहाँ, जो लोग दिखेंगे वो ही नहीं होंगे, देवता आकाश ठाड़े पुष्पन की वर्षा करें, बड़े बड़े देव भी यहाँ नंद भवन की शोभा को देख करके नंद लाला को बधाई देने के लिए और दर्शन करने के लिए आएंगे। और पुनः 28 तारीख को प्रातः काल से ही बरसाने वाले आएंगे, बधाई गायन होगा, ढाण ढाण लीला होगी, बांस लीला होगी, शंकर लीला होगी और पल्ला लीला होगी, इतनी अद्भुत लीला, और मल्ल युद्ध का प्रदर्शन भी होगा। यहाँ भी मल्ल युद्ध होगा और नीचे भी मल्ल युद्ध होगा। भगवान, क्योंकि बलराम जी बड़े थे कृष्ण से और बलराम जी का मोक्ष मल्ल युद्ध ही अपना आनंद था, इसलिए मेरे श्याम सुंदर को प्रसन्न करने के लिए बलराम जी अपने मल्ल युद्ध का प्रदर्शन भी यहाँ करते हैं ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए। आने वाले दर्शकों को नंद बाबा सेवायत की तरफ से क्या संदेश देना चाहिए। मेरा संदेश है कि अगर आप ब्रज में आए हो तो नंद बाबा के दर्शन अवश्य करो, क्योंकि ब्रज के राजा नंद बाबा हैं और ब्रज राज के लाडले कृष्ण का नंदोत्सव है। इसलिए जब तक बाबा नंद को बधाई नहीं दोगे, मैया यशोदा को बधाई नहीं दोगे, तब तक आपकी बधाई पूरी कैसे मान ली जाएगी। और नंद बाबा और मैया यशोदा की बधाई तभी पूरी होगी जब आप नंद भवन में आकर के बाबा मैया को बधाई देंगे। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आप नंदगांव धाम पधारें और नंद बाबा नंद नदन की देहरी घिसके मुझ कर्म की रेख मिटावनी है, और नंद भवन जे मांगन आए ते बहोरे मांगन न कहाए। जो नंद बाबा के द्वार पर बधाई मांगने के लिए आया उसे कभी फिर मांगना नहीं पड़ा। संसार की समस्त लौकिक अलौकिक संपदा को मेरे नंद बाबा ने देखत ब्रजई लुटाए दियो, न बची बचिया छछिया न पिछोरी। ऐसा अद्भुत अगर नंद उत्सव देखना है तो आप 28 तारीख को नंदगांव आए, प्रातः 9 बजे से 2 बजे तक नंद भवन की शोभा देखने योग्य रहती है।
बहुत सुंदर गोसाई जी, बहुत बढ़िया तरह से आपने यहाँ हमारे दर्शकों को समझाया कि खुर गिनती रीति क्या है और यहाँ पर क्या क्या आयोजन होते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, अगली वीडियो में और नंदगांव से जुड़ी हुई खास जानकारी हम आपके लिए लेकर के आते हैं। तब तक के लिए राधे राधे। ऊपर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।